मुझे अभी मैंने आंकड़े लिए हैं कि परी चौक से लेकर जेवर टोल तक लगभग 28 विदेशी कंपनियों ने बड़ी जगह ली है जहां से रोजगार उत्पन्न होगा। अकेले हवाई अड्डे से 1,00,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। प्रेस वार्ता में मैं भारतीय जनता पार्टी जनपद गौतम बुद्ध नगर और नोएडा महानगर की तरफ से सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। हम सबके मध्य मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद पूर्व में भारत सरकार में मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी माननीय सदस्य विधान परिषद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सत्यपाल सिंह सैनी जी, हमारे गौतम बुद्ध नगर के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय विजय भाटी जी, हमारे दादरी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय तेजपाल नागर जी, हमारे नोएडा महानगर के करमठ जिलाध्यक्ष। मेरे साथ उपस्थित हमारे प्रभारी और अभी अभी जिन्होंने MLC का चुनाव जीता है आदरणीय सत्यपाल सैनी जी, जिनके प्रभार नेतृत्व में हमारी सरकार ने 500 सीटें हमारे क्षेत्र में जीती हैं, भाई तेजपाल नागर जी जिन्होंने भी इतिहास लिखा है 1,37,000 वोटों से इस क्षेत्र में जीत प्राप्त कर, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई विजय भाटी जी, भाई मनोज गुप्ता जी, पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति भाई देवा भाटी जी, जिला पंचायत सभी कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, ये हमारा सौभाग्य है कि अपनी इस कर्म भूमि की माटी में मुझे भी 39 वर्ष रहने का मौका मिला है और इस 39 वर्षों में अपने इस गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र उत्तर प्रदेश का एक शो विंडो जो कहलाता है, तकनीकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश में है लेकिन जिसकी किसी भी चीज़ की हम तुलना हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करते हैं। आज वह क्षेत्र देश में नहीं, प्रदेश में नहीं बल्कि विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बना चुका है और इस दिशा में अग्रसर है। हमारे दोनों यशस्वी नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय, सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, एक ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने प्रदेश को एक बीमारू राज्य से एक उत्तम उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर करने का संकल्प लिया है, उसमें सफलता भी प्राप्त की है और हम सब भी गौरवान्वित हैं कि हम उस क्षेत्र के वासी भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। साथियों, ये सरकार कल्पना करें, 2014 में भारत में एक नकारात्मक भाव, एक अंधियारा सा छाया हुआ था देश के किसान में, देश के युवाओं में, देश की आम जनता में, राजनीति, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर विश्वास उठ सा चुका था, भविष्य अंधकार में नजर आता था। राजनीति का मतलब भ्रष्टाचार, राजनीति का मतलब सिर्फ भाषणबाजी, राजनीति का मतलब अकर्मण्यता और राजनीति का मतलब आम जनता का राजनीति और राजनेताओं पर से विश्वास उठना। प्रदेश की जनता ने करवट ली और एक ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। मेरा भी सौभाग्य रहा उस पहली सरकार में मुझे भी चार चार मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के साथ रहने का मौका मिला और आज जो विकास की नई गाथा हम देख रहे हैं अपने देश और प्रदेश में, वास्तव में अकल्पनीय थी। देश की 70 साल की आज़ादी में जिस गरीबी की चर्चा करते हुए और हम लोग सुनते हुए वर्षों सदियां गुजर गई थी, वह गरीबी बढ़ती जा रही थी, गरीब पिसता जा रहा था। आज देश में अगर हम बात करें तो गरीब की चर्चा होती थी लेकिन गरीब की जो समस्याएं थी उन पर कार्य नहीं होता था। गरीब का मतलब गरीब को घर चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को घर देने का जो कल्पना की गई थी वह धरातल पर आई है।
प्रदेश के अंदर जितनी बड़ी संख्या में गरीबों को आवास दिए गए हैं वह अकल्पनीय था। घर में एक टॉयलेट होना चाहिए, घर में एक बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, घर में एक गैस का चूल्हा होना चाहिए, बिजली भी मिली, टॉयलेट भी मिला, गैस का सिलेंडर भी मिला और पेशे से चिकित्सक हूँ, आम जन के इस दर्द को भी समझता हूँ कि इलाज के समय लोगों के घर बिक जाते थे, गहने गिरवी रख दिए जाते थे, 5 लाख रुपए तक का बीमा भी आज उन्हीं का हर व्यक्ति का कराया गया। आम जन चाहे वो गरीब पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, उनमें बढ़ोतरी की गई, अभी कल परसों ही 500 रुपए से बढ़ाकर दिव्यांगजन पेंशन 1000 रुपए की गई है। आम जन के लिए एक साहूकार से ब्याज लेता था एक छोटा व्यापारी, 5 रुपए 10 रुपए सैकड़े पर ब्याज लेता था, आज मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना के माध्यम से आज एक आम व्यक्ति को ये सुविधा दी गई है, एक आम व्यक्ति का बीमा किया गया है, 2 लाख रुपए तक का एक बीमा मात्र 1 रुपए महीने पर, यानी 12 रुपए साल पर बीमा, 300 रुपए साल यानी 1 रुपए रोज के साथ 2 लाख रुपए तक का अन्य जीवन बीमा योजना, एक्सीडेंट योजना, किसान को फसल बीमा योजना के माध्यम से जहां उसकी 50% अगर फसल नुकसान होती थी तो बीमा फसल बीमा योजना लागू होती थी, उसको घटाकर 33% किया गया। किसानों के सम्मान निधि का 6000 रुपये प्रति साल सम्मान निधि जो दी गई, जिसमें आज से 3 दिन पहले 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि उनके खातों में सीधे गई है। पत्रकार छायाकार बंधु आप भी जानते हैं कि अगर ये 6000 रुपए किसान के खाते में आज से पहले जाने थे पिछली सरकारों के माध्यम से, तो न जाने कितने प्रतिशत बिचौलिया अधिकारी बेईमान खा जाते थे, लेकिन आज एक एक पैसा DBT के माध्यम से सीधे किसान के खाते में पहुंच रहा है। कल्पना कीजिए जब 29 करोड़ जनधन खाते इस देश में खुले एक पैसे भी जमा कराए बगैर, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से टॉयलेट की बात करता था तो कई बार कुछ लोग हंसते भी थे, आज वही जनधन खाता, वही टॉयलेट व्यवस्था विश्व पटल पर हमारी पहचान बनी है। एक आम आदमी बैंक का दरवाजा नहीं देखता था, अगर बैंक खोलने के लिए अपने मालिक, अपने जिसके नीचे काम करते हैं या किसी से गांव प्रधान से अगर वो कहता था कि मेरे बैंक का साइन सर्टिफाई कर दो, तो सर्टिफाई करने से भी वो डरता था कि कहीं भाग ना जाए पैसे लेकर। आज वह विश्वास आम जनता में जगा है कि आपको अपना सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने के लिए विधायक सांसद के दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपको स्वयं अपने सर्टिफिकेट को अटेस्ट करवा कर सकते हैं। 1200 के करीबन ऐसे नियम कानूनों को खत्म किया गया जो रिडंडेंट थे। आम जनता का सम्मान अपनी नजरों में बराबरी के हक पर खड़ा होने का हक उन्हें दिया है, और इसी संकट काल में लगभग 2 वर्ष इस कोरोना जैसी महामारी ने भी जहां देश नहीं विश्व की व्यवस्थाओं को हिला दिया था, आज उस वक्त भी हमारी सरकारों ने और यहां तक कि हमारी पार्टी के दोनों अध्यक्ष हमारे यहां बैठे हैं भाई मनोज गुप्ता जी, करीबन 1 लाख लोगों को रोजाना भोजन कराना, दोनों टाइम भोजन कराना बहुत बड़ी बात थी साथियों। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका था, गरीब को गरीबी में मदद हो, 85 करोड़ देश में और 15 करोड़ देशवासी प्रदेशवासियों को लगातार 2 साल तक भोजन उपलब्ध कराना, अन्न उपलब्ध कराना, ये किसी कल्पना से बाहर की चीज थी। आज आपका गौतम बुद्ध नगर, आपका नोएडा नए इतिहास लिख रहा है। यहाँ बनने वाला विश्व का 6ठा और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जहाँ दिल्ली के हवाई अड्डे से 2.5 गुना और बम्बई के हवाई अड्डे से 3-3.25 गुना बड़ा है, जहाँ हवाई यात्रियों के लिए सुविधा, कार्गो माल ढोने के लिए सुविधा,
और जहां हवाई जहाज की मरम्मत के लिए सुविधा तीनों सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध होगी, ऐसा हवाई अड्डा देश में बहुत ज्यादा नहीं। प्रदेश में दो हवाई अड्डे हुआ करते थे, लखनऊ और वाराणसी, आज 7 हवाई अड्डे हैं जिसमें से 5 हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। आज पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो दिल की आपका जेवर हवाई अड्डा देहरादून से चलकर, आगरा से चलकर, लखनऊ से चलकर, मथुरा से चलकर, मेरठ से चलकर, दिल्ली से चलकर, एक भी लाल बत्ती के बिना इस हवाई अड्डे पर आप हम पहुंच पाएंगे।